हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में 230 मेंबर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं जो अपने डाउट्स एक दूसरे के साथ इस ग्रुप में शेयर करते हैं, और साथ ही इस ग्रुप में कुरमाली का फ्री में क्विज भी लिया जाता है। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डेली कुरमाली क्विज आता है, तो उसे आप जरूर अटेंड करिए। तो आपके JSSC CGL 2023 के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं तो उनमें से कंबाइन करके एक मॉक टेस्ट के रूप में अरेंज किया गया है। इस मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, पूरे ईमानदारी के साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि हम लोग का ये कुरमाली मॉक टेस्ट पार्ट 1 होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, आवल माधव बहे मंद पवनवा शिष्ट गीत कने रचल आहे, यानी कि आवल माधव बहे मंद पवनवा शिष्ट गीत किन्होंने रचा है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी भीमचरण, ऑप्शन सी बाउलदास या ऑप्शन डी सृष्टिधर महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास, यानी कि आवल माधव बहे मंद पवनवा शिष्ट गीत जो है तुलसीदास जी ने रचा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आवल माधव बहे मंद पवनवा शिष्ट गीत से रिलेटेड जो लेक्चर है ये YouTube में मैंने बहुत ही डिटेल्स में कराया है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो है कुरमाली कवि तुलसीदास जी के बारे में दो चार लाइन देख लेते हैं। कुरमाली कवि तुलसीदास जी का जन्म जो है 1850 ईस्वी में उड़ीसा के भालूबासा गाँव में हुआ। उन्होंने जो है बस 3 क्लास तक ही पढ़ाई किए, लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही गीतों का रचना किया। इनका मृत्यु जो है 1928 ईस्वी में हुआ। ये जो है बहुत ही गरीब थे। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिडुल आधुनिक कविता कने रचल आहे, यानी कि बिडुल आधुनिक कविता जो है किन्होंने रचा है। ऑप्शन ए डॉक्टर NK सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर HN सिंह, ऑप्शन सी सृष्टिधर सिंह या ऑप्शन डी केशव चंद्र टिडुवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशव चंद्र टिडुवर, यानी कि बिडुल नामक जो है आधुनिक कविता जो है केशव चंद्र टिडुवर जी ने रचा है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली महाने चिन्हान किना रकम में है, यानी कि कुरमाली में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, यानी कि कुरमाली में चिन्हान यानी कि लिंग जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला नारालिंग, दूसरा मेदिलिंग, तीसरा दुजिलिंग और चौथा लहरालिंग। मैंने बहुत ही डिटेल्स में जो है चिन्हान यानी कि लिंग पढ़ाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। आप सभी अपना स्कोर काउंट करते रहिए, और जब हम लोग का 30 क्वेश्चन हो जाएगा आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली महाने डैश हलुक भजानु है, यानी कि कुरमाली में कितने जो है अल्प प्राण हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10, कुरमाली में जो है 10 हलुक भजानु यानी कि अल्प प्राण हैं। तो देख लेते हैं हलुक भजानु कौन कौन से हैं। क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द और ब, ये जो है हलुक भजानु हैं, अल्प प्राण, यानी कि इनको बोलने में जो है बहुत ही कम समय लगता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थ कर उच्चारणे जाएगा, यानी कि थ का उच्चारण स्थान। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालू, ऑप्शन सी दांत या ऑप्शन डी होठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांत, यानी कि थ का उच्चारण स्थान जो है दांत होता है। तो अभी हम लोग
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली महने छियो कर उच्चारण डैश रोकों में है, यानी कि कुरमाली में छियो का उच्चारण किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ऊपर एक दुई, या ऑप्शन डी छियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपर एक दुई, यानी कि कुरमाली में जो है छियो का उच्चारण ख और छ के रूप में होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली महाने साड़ा किना रकम है खेई, यानी कि कुरमाली में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, या ऑप्शन डी पाँच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो। कुरमाली में शब्द जो हैं दो प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिशा आधुनिक कहानी कने लिखल आहे, यानी कि दिशा नामक जो है आधुनिक कहानी किन्होंने लिखा है। ऑप्शन ए निरंजन महतो, ऑप्शन बी बसंत कुमार मेहता, ऑप्शन सी डॉक्टर एन के सिंह, या ऑप्शन डी अनंत महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंजन महतो, यानी कि दिशा नामक आधुनिक कहानी जो है निरंजन महतो जी ने लिखा है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांछा आधुनिक कहानी कने रचल रहे, यानी कि बांछा नामक आधुनिक कहानी जो है किन्होंने रचा। ऑप्शन ए डॉक्टर एन के सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर एच एन सिंह, ऑप्शन सी भीमचरण, या ऑप्शन डी हलीचरण महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एच एन सिंह, यानी कि बांछा नामक आधुनिक कहानी जो है डॉक्टर एच एन सिंह जी ने लिखा है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकर भीतर कौन कहनी कर परिवेश निरन मासले जोड़ाइल जाए। ऑप्शन ए छटपटी, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी बांछा, या ऑप्शन डी धोखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांछा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकर भीतर कौन कहनी महान फागु काका कर पाट आहे। ऑप्शन ए धोखा, ऑप्शन बी मकरी, ऑप्शन सी दिशा, या ऑप्शन डी बांछा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांछा। इनमें से जो है बांछा कहानी में फागु काका नाम के पार्ट हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांछा कहनी कर अनुजाई फागु काका बेटाक ब्याह काकर संग हेव आहे, यानी कि बांछा कहानी के अनुसार जो है फागु काका का बेटा का विवाह इनके साथ होता है। ऑप्शन ए मंगला सावकर बड़ो बेटी सॉन्ग, ऑप्शन बी मंगला सावकर छोटो बेटी सॉन्ग, ऑप्शन सी सावना महतोकर बड़ो बेटी सॉन्ग, या ऑप्शन डी सावना महतोकर छोटो बेटी सॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सावना महतोकर बड़ो बेटी सॉन्ग, यानी कि बांछा कहनी के अनुसार जो है फागु काका के बड़े बेटे का विवाह जो है सावना महतो के बड़े बेटी के संग होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टा कने रचल रहे, यानी कि केरिया बहू नाटक जो है किन्होंने रचा है। ऑप्शन ए डॉक्टर एन के सिंह, ऑप्शन बी कालीपद महतो, ऑप्शन सी बसंत कुमार महतो, या ऑप्शन डी बसंत कुमार मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीपद महतो, यानी कि किरिया बहु नाटक जो है कालीपद महतो जी ने रचा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने किरिया बहु नाटक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाला लेक्चर जो है यूट्यूब में कराया है, तो आप वो लेक्चर जरूर देखना, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेंगे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर मान सिंह महतो कर जन्म कबे हेल आहे, यानी कि डॉक्टर मान सिंह महतो जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन बी 1952, या ऑप्शन डी 1955। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। डॉक्टर मान सिंह महतो जी का जन्म जो है 7/3/1952 ईस्वी को रांची जिला में हुआ। एक जरूरी बात, मैंने मान सिंह महतो जो है बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मान सिंह महतो जी से रिलेटेड है।
डॉक्टर मान सिंह महतो कर बापे के नाम कीना रहे, यानी कि डॉक्टर मान सिंह महतो जी के पिताजी का नाम क्या है। ऑप्शन ए ठाकुर दास महतो, ऑप्शन बी ठाकुर महतो, ऑप्शन सी रंजन महतो या ऑप्शन डी रंजन मोहन महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुर दास महतो, यानी कि डॉक्टर मान सिंह महतो जी के पिताजी का नाम ठाकुर दास महतो हैं एवं इनके माता जी का नाम जो है पैरो देवी हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी अब तक आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, आप इनको स्कोर अपना काउंट करते रहिए और देखते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और 30 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। ये हम लोग का ये जो है मॉक टेस्ट का पार्ट वन है। इसी प्रकार अगर आपका रिस्पॉन्स अगर बहुत ही अच्छा रहा तो मॉक टेस्ट जो है मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे सेशन लाने का कोशिश करूँगा। तो देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है और आप लोग अपने दोस्तों के साथ कितना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर एन के सिंह का जन्म कब हेल रहे, यानी कि डॉक्टर एन के सिंह जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931, यानी कि डॉक्टर एन के सिंह जी का जन्म जो है 1931 ईस्वी में हुआ। अगर एक्यूरेट कहा जाए तो डॉक्टर एन के सिंह जी का जन्म जो है 5/7/1931 ईस्वी में जो है पश्चिम सिंहभूम जिला में हुआ। और मैंने जो है बहुत डिटेल्स में एन के सिंह जी को पढ़ाया है, तो आप वो लेक्चर जरूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ढेंकी साहब से रिलेटेड है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ढेंकी साहब कने रचल रहे, ऑप्शन ए कालीपद महतो, ऑप्शन बी डॉक्टर एन के सिंह, ऑप्शन सी बसंत कुमार मेहता या ऑप्शन डी सुनील महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनील महतो। ढेंकी साहब जो है सुनील महतो जी ने रचना किया है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने तमान किनारकों में है, यानी कि कुरमाली में अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। कुरमाली में अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल्स में अव्यय नामक लेक्चर कराया है, तो आप वो लेक्चर जरूर देखना, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकर भीतर कौन कहनी महान बोड़ गाछ कर पाठ आए, यानी कि इनमें से किस कहानी में जो है बोड़ गाछ यानी कि बरगद का पेड़ का पाठ मिलता है। ऑप्शन ए धोखा, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी मकरी या ऑप्शन डी ढेंकी सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ढेंकी सांप, यानी कि इनमें से जो है ढेंकी सांप नामक कहानी में जो है बोड़ गाछ नामक पाठ मिलता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकरण कारक के कुरमाली माने किना कहल जाए, यानी कि अधिकरण कारक को कुरमाली में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ठेगान परिक, ऑप्शन बी बेलक परिक, ऑप्शन सी दानीन परिक या ऑप्शन डी बदान परिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठेगान परिक, यानी कि अधिकरण कारक को जो है कुरमाली में ठेगान परिक कहा जाता है। और मैंने बहुत ही डिटेल्स में कारक यानी कि परिक नामक चैप्टर कराया है, तो आप वो लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में यूट्यूब के जो है आप JSSC CGL वाले सेक्शन में देख सकते हैं। उसमें JSSC CGL 2023 के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसमें उस प्लेलिस्ट में ऐड किया जाता है, तो आप वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि बेलग परिक यानी कि अपादान कारक, दानीन परिक यानी कि संप्रदान कारक और बधान परिक यानी कि संबोधन कारक। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दासा यकुन के हिंदी माने किना कहल जाए, यानी कि दासा यकुन को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी कौनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, यानी कि दासा याकुन को जो है हिंदी में
तत्पुरुष समास कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यकून का मतलब समास होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने किना पाइन लागल आहे, यानी कि कुरमाली शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी आली, ऑप्शन सी माली या ऑप्शन डी कुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आली। कुरमाली में जो है आली प्रत्यय लगा है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ना जाने ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कितना बार रिवाइज कराया है, तो इसे आप लोग आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भावेक अनुजाए टूम किना रकम में है, यानी कि भाव के अनुसार जो है वाक्य के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। भाव के अनुसार जो है वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। आप लोग जो है सोच रहे होंगे 4 प्रकार आप लोगों ने ये टिक किया होगा, लेकिन वो जो है रचना के दृष्टि से जो है वाक्य के 4 प्रकार हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं आप लोगों के 30 क्वेश्चन में से इस बार टॉप कौन करता है, लेकिन आप सभी ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करिएगा कमेंट करके। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली महाने काथा किना रकम में है, यानी कि कुरमाली में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कुरमाली में वाच्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छटपटी कहनी कौन प्रधान कर कहनी है, यानी कि छटपटी कहानी में जो है ये कौन सा प्रधान का कहानी है। ऑप्शन ए नारी प्रधान, ऑप्शन बी पुरुष प्रधान, ऑप्शन सी छोवा प्रधान या ऑप्शन डी सबे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारी प्रधान, यानी कि छटपटी कहानी जो है ये नारी प्रधान कहानी है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबू कांदिस काहे रे बेलून किनी देवो, आर टुकु बड़ो हेले तोके बेहा दे देवो, इटा डैश गीत है। ऑप्शन ए खेल गीत, ऑप्शन बी छवा भुला गीत, ऑप्शन सी ढप गीत या ऑप्शन डी बेहा गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोवा भूला गीत। ये गीत जो है छोवा भूला गीत है। आपको याद होगा ये गीत आपके जो दादी या मम्मी आप लोगों के लिए गाया करती थी। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नी सारथी के भगवान सारथी लोक कथा माने राजा कर डैश रथ रहे। ऑप्शन ए एकटा, ऑप्शन बी दुईटा, ऑप्शन सी पाँचटा या ऑप्शन डी अनेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकटा, यानी कि नी सारथी के भगवान सारथी नामक लोक कथा में जो है राजा के पास एक रथ था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 है। साधन लोक कथा माने राजा कर डैश बेटा रहे हेल्थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। साधन लोक कथा के अनुसार जो है राजा का जो है 5 बेटा था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिलुक कोसनी लोक कथा माने राजा कर डैश बेटा रहे हेल्थी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7, यानी कि लुलुक कोसनी नामक लोक कथा में जो है राजा का 7 बेटा था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आसना पातेक डासना कोरैया पातेक दोना, दनाई दनाई मौद पियो हिलाई कानेक सोना, इटा किना गीत है। ऑप्शन ए उधवा गीत, ऑप्शन बी ढप गीत, ऑप्शन सी एढ़ैया गीत या ऑप्शन डी डमकच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उधवा गीत। ये जो है एक उधवा गीत है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए आपके टोटल 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो दोस्तों ये था कुरमाली मॉक टेस्ट पार्ट 1। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों का रिस्पांस इस लेक्चर से बहुत ही अच्छा रहा तो जल्दी
एक यूट्यूब में कुरमाली मॉक टेस्ट का पार्ट टू लाया जाएगा। तो आप सभी जल्दी से अपना आंसर यानी कि आपके स्कोर कमेंट करके बताइए, और आपका स्कोर जो है मैं आशा करता हूँ आप सभी ईमानदारी पूर्वक देंगे। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली सेशन के साथ। और हाँ, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।